एक खुशखबरी है कश्मीर में तमाम क्रिकेट प्लेयर्स के लिए, एक बड़ी खुशखबरी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापसी कर रहा है कश्मीर में पूरे 40 साल के बाद, और इस बार जो लेजेंड्स लीग क्रिकेट फाइनल मैच है, बताया जा रहा है सोर्सेस के हवाले से खबर सामने आ रही है कि इस बार श्रीनगर बख्शी स्टेडियम में होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट साहिल केनी ज्वाइन कर चुके हैं स्लाइड में। साहिल बताइएगा क्या इंफॉर्मेशन है, कौन से इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स हैं जो कश्मीर पहुंचने वाले हैं, क्या जम्मू भी आएंगे, क्या स्केड्यूल फिक्स किया गया है, क्या डेट है और कौन से मंथ में आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह लेजेंड लीग क्रिकेट मैचेस पिछली बार भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिले थे और सिर्फ जम्मू में मैचेस हुए थे, और जब हम उनके सीईओ से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम कश्मीर में भी ये मैचेस करवाएंगे, और वही देखने को मिल रहा है कि अब ये कश्मीर में होने जा रहे हैं मैचेस श्रीनगर में, और ये सिर्फ इलेक्शन चल रही है हमारे यहाँ पे, विधानसभा इलेक्शन शुरू हो जाएंगी उसकी वजह से डेट्स को आगे रखा गया है ताकि यहाँ इलेक्शन खत्म हो उसके बाद डेट्स सामने आएंगी जो पूरी जहां जहां मैचेस हैं और किस डेट पे मैच है वो लिस्ट पूरी सामने आएगी। पर जहां तक ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो 6 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में लेजेंड्स लीग क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी होंगे और हमारे जो इंडियन खिलाड़ी हैं वो भी उसमें शामिल रहेंगे, बहुत से चेहरे देखने को मिलेंगे। हाँ, गौतम गंभीर पिछली बार यहां पे देखने को मिले थे पर इस बार गौतम गंभीर नहीं होंगे शामिल क्योंकि वो खुद एक कोच बन बैठे हैं इंडियन टीम के। हाँ, उनके अलावा सुरेश रैना, यूसुफ पठान, इरफान पठान पिछली बार देखे थे, हमने रॉस टेलर को देखा था, हमने मार्टिन गप्टिल को देखा था। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब श्रीनगर में मैच होता है बख्शी स्टेडियम में तो वहां पर भी कुछ खिलाड़ी जो है इंटरनेशनल देखे जाएंगे, कुछ नहीं बहुत से होंगे, क्रिस गेल भी जम्मू में देखे गए थे। तो इस बार साफ तौर पर सही मायने में रखा गया है कश्मीर को श्रीनगर बख्शी स्टेडियम में कि यहां पर लेजेंड लीग क्रिकेट के मैचेस करवाए जाएंगे और डेट्स अभी फाइनल नहीं हुई हैं। और जहां तक ये बातें सूत्रों के बारे से निकल सामने आ रही हैं, इस बार का जो लेजेंड लीग क्रिकेट का फाइनल जो है पिछली बार विशाखापट्टनम में खेला गया था और अब ये फाइनल जो है ये फाइनल खेला जाएगा श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में। तो ये कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जम्मू के लिए भी है क्योंकि लास्ट टाइम जब जम्मू में मैचेस हुए थे बहुत रश देखा गया था, कश्मीर से बहुत से लोग थे जो जम्मू का रुख कर रहे थे मैचेस देखने के लिए, हालांकि बारिश ने खलल डाली थी उन मैचेस में, पर अब ये मैचेस कश्मीर में भी होने जा रहे हैं और मौसम उसी तरह से रहेगा, अच्छा रहेगा क्योंकि वो नवंबर में मैचेस थे, नवंबर दिसंबर में मैचेस थे जिसकी वजह से मौसम उस टाइम बारिशों का रहता है, पर ये मौसम प्लेजेंट रहता है। तो उम्मीद यही चला जाए बारिश में खलल ना डाले इन मैचेस के बीच में, पर बख्शी स्टेडियम में मैचेस होंगे और यहां पे खिलाड़ी बहुत से इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं जो संन्यास ले बैठे हैं वो यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। वाटसन हो सकते हैं, उनके साथ मैथ्यू हेडन हो सकते हैं, उनके साथ हम मार्टिन गप्टिल को भी देखेंगे दोबारा से खेलते हुए, और भी कोरी एंडरसन पिछली बार खेले थे अब वो यूएसए की टीम में खेल रहे थे वो भी यहां पर मौजूद हो सकते हैं, इरफान पठान, सुरेश रैना, अभी बातें चल रही हैं जो जो खिलाड़ी संन्यास ले बैठे हैं उनको इस टीम में शामिल किया गया है। तो अब देखना यह होगा कि खिलाड़ी आखिर जब ये लिस्ट निकलेगी क्योंकि 29 अगस्त को ऑक्शन है खिलाड़ियों की, उसके बाद ये लिस्ट फाइनल होगी कौन कौन से खिलाड़ी यहां पर यहां का रुख करते हैं और यहां पर खेलने के लिए आते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा रहा है क्योंकि लास्ट टाइम हम देखा था बहुत सिक्योरिटी थी, बहुत ही मुश्किल से लोगों को अंदर एंट्री मिली थी, इस बार भी ऐसे कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि इलेक्शन है वो खत्म होंगे उसके ठीक बाद मैचेस होंगे, और मैचेस आपको बताएं कि जोधपुर ये 20 सितंबर को लीग शुरू हो रही है, जोधपुर के बाद ये सूरत, और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जम्मू, श्रीनगर, जोधपुर और सूरत सिर्फ ये 4 सिटीज हैं जहां पे मैचेस हो रहे हैं, और पिछली बार भी हम देखा था कि 200 के करीब खिलाड़ी जो थे वो इस लीग का हिस्सा बने थे। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस 200 में से तकरीबन 40% जो खिलाड़ी थे वो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे जो टीम का हिस्सा रहे थे, और अब देखने वाली बात है कि कौन कौन से प्लेयर यहां पे आते हैं क्योंकि हमने लवेश को भी देखा था जो वेस्टइंडीज से खेलते थे, बड़े शानदार खिलाड़ी, उन्होंने भी यहां का रुख किया था, जम्मू कश्मीर का रुख किया था और यहां की जो नजारे जम्मू के देखे थे उन्होंने, और उसके बाद हर किसी ने अपने अपने ट्विटर हैंडल पर जाके अपने इंस्टाग्राम पर जाके पोस्ट की थी कि वाकई जम्मू की जो खिदमत थी वो जो हमारे साथ थी वो बहुत शानदार थी। अब कश्मीर का जब वो रुख करेंगे तो जाहिर सी बात है वो शंकराचार्य भी जाएंगे, चार चिनार भी जाएंगे, परी महल भी जाएंगे और वो गुलमर्ग भी घूमने के लिए जाएंगे। तो यह आप देखने वाली बात है, श्रीनगर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैचेस 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक तो ये रहने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो सामने आ रही है, क्रिकेट लवर्स का क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। फिलहाल सभी